प्रधान न्यायाधीश की कोर्ट में हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 125 के तहत चल रहे केस में कोर्ट ने गत 12 मार्च को सुखलिया निवासी आनंद शर्मा को अंतरिम निर्देश दिए हैं कि वो हर माह पत्नी को 3000 और बच्चे को 1500 रुपए का भरण पोषण दे। भरण पोषण का केस युवक की पत्नी दीपमाला ने लगाया है। शुक्रवार को केस की सुनवाई में युवक की ओर से कोर्ट में आवेदन देकर कहा गया कि वो बेरोजगार है, इसलिए भरण पोषण की राशि हर माह नहीं दे सकता। आवेदन में लिखा गया है कि वो अंडरटेकिंग देता है कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने सरकार बनने पर बेरोजगारों को हर माह 6000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा की है, इसलिए वो राहुल को वोट देगा और अगर राहुल की सरकार बनी तो उससे मिलने वाले 6000 मासिक बेरोजगारी भत्ते में से 4500 रुपए वो पत्नी और बच्चों को देगा। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।